अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले यहां चुनावी रैलियां जारी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे कि उन पर गोलियां चल गईं। एक गोली उनके कान में जा लगी और उनके कान से खून निकलने लगा। गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे हैं, इसी बीच वहां अज्ञात बदमाश फायरिंग शुरू कर देते हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गोलियां चलने के बाद वहीं पोडियम के नीचे झुक जाते हैं। इसके बाद सीक्रेट सर्विस उन्हें घेर लेते हैं। घटना के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट तुरंत मंच से बाहर ले जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता हुआ देखा जा सकता है। इस घटना की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुझे पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। मैं ये सुनकर आभारी हूँ, वह सुरक्षित हैं। मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जिल और मैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस के आभारी हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। रैली में हुई गोलीबारी को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक्स पर लिखा, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन हम सभी को राहत महसूस करनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है। मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी एक्स पर लिखा, मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। डग और मैं राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हम उनके, उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस मूर्खतापूर्ण गोलीबारी से घायल हुए हैं और प्रभावित हुए हैं। हम यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज और स्थानीय अधिकारियों की तत्काल कार्रवाई के लिए आभारी हैं। इस तरह की हिंसा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। हम सभी को इस घृणित कृत्य की निंदा करनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे और इसी चुनावों के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहां रैली कर रहे थे।